अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूमा खान। आज मैं आप लोगों के लिए भिवंडी में धोबी तलाव स्टेडियम में फूड फेस्टिवल लगा हुआ था, फूड फेस्टिवल एंड बिजनेस एक्सपो के साथ था। हाँ, फर्स्ट टाइम इन भिवंडी, पहली बार हुआ था। तो हम लोग भी गए थे, लेकिन हम लोग फर्स्ट डे नहीं जा पाए थे, हम लोग सेकेंड डे गए थे। फर्स्ट डे जाते तो थोड़ा हम लोग पछता भी रहे थे कि हमने मिस कर दिया। फर्स्ट डे जाते ज़्यादा अच्छा था, सेकेंड डे भी अच्छा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन इन लोग ने किए थे। मतलब फूड का काउंटर जितना था ना, एंट्री करेंगे पहले तो सारे फूड के ही सब स्टॉल लगे हुए थे, सारे जितने भी भिवंडी के फेमस फूड वाले हैं, हर एक कोने से, हर एक जगह से स्टॉल लगे हुए थे। मतलब जैसे राजस्थानी आप देख सकते हैं, राजस्थानी फूड का अलग था, तुर्किश फूड का अलग लगा हुआ था, मतलब कुनाफा वगैरह तुर्किश डिश में आता है वो अलग था, और फास्ट फूड वगैरह अलग लगे हुए थे ना। एंट्री करते ही सबसे पहले हमें फूड स्टॉल्स, टोटल सारे फूड स्टॉल मिलेंगे। हाँ, उसके बाद आगे बिजनेस और एक्सपो है। हम लोग ने मिस किए, इसलिए मिस कर दिए कि अगर हम लोग पहले जाते, मालूम करते तो हमारा भी एक स्टॉल वहाँ पे लगता है ना, लगा सकते थे हम लोग भी। और फर्स्ट डे कुकिंग कंपटीशन भी था, तो उसमें भी चांस हमें मिल सकता था। और ये शौरमा का था, और ये लोग है ना यहाँ के, भिवंडी के नहीं है, अलग अलग वहाँ से आए थे ये, मुमरा से, मेरे ख्याल से मुमरा से आए थे। हाँ, मुमरा से आके अपनी शॉप यहाँ पे लगाए थे। बहुत ही अच्छा खाना भी, सबकी डिश भी बहुत ही अच्छी थी, और साफ़ सफाई का हिसाब में सब बहुत अच्छे से थे, यानी कोई चीज़ वहाँ पे गंदगी वाली नहीं थी, हर चीज़ साफ़ सुथरी थी, खाने में भी, और पूरा जितना भी लोग ने इंतज़ाम किए थे सब माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा अच्छे से था। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ग्रिल मास्टर का भी, भिवंडी का ही है। इन्होंने भी अपना एक स्टॉल लगाए थे, और वो लाबरीजा आता है मिलत नगर में, उधर है ना चाविंद्रा साइड, उन्होंने भी अपना एक स्टॉल लगाए थे। नहीं, भाजन ढाबे का हिसाब था, वहाँ की जो स्टीम वाली कुकर चाय, अभी आप लोग ने भी सुने होंगे ना, वो भी यहाँ पे थी। यानी सब ने अलग अलग, बड़े बड़े सब जितने भी थे, सबकी सबके अपनी स्टॉल एक लगे स्टॉल थे। लगे हुए थे। ये सब बाहर सब फूड का था, फिर हम लोग ने इधर गेट से एंट्री की अंदर का, तो यहाँ पे बिजनेस बिजनेस, एक्सपो था, मतलब जितने भी काउंटर स्टॉल वगैरह थे सब सब बिजनेस बिजनेस रिलेटेड के थे। ही बने हुए थे। मतलब बाहर फूड का था, अंदर बिजनेस का था, इंटीरियर में अंदर पूरा बिजनेस का पूरा था। बिजनेस का था। यानी उसमें बहुत से आयुर्वेदिक दवा के शॉप का था, वो भी था, आप भी देख सकते, एजुकेशन से लेके हर हर एक चीज़, चीज़ तक का हर था। चीज़ का था यहाँ पे, कोई चीज़ बाकी नहीं जो जिसकी शॉप वहाँ पे लोग ने स्टॉल नहीं लगाए और हो। हर एक दिन नया 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 कंपटीशन था, था, जैसे कि आज जिस दिन हम लोग गए थे हाँ, उस दिन, सेकेंड डे गए थे ना हाँ अपन, उस दिन ब्राइडल कंपटीशन था, सब रैम वर्क सब, वगैरह, मॉडल हाँ, वगैरह मेकअप लोग आए आर्टिस्ट थे, आए थे, और उन्होंने अपने अपने एक एक उसको मॉडल को मॉडल तैयार को तैयार किए, किए थे। मतलब सब ब्राइडल ही सब तैयार हुई थी, अलग अलग टाइप के अलग पार्टी अलग वेयर, था। ब्राइडल, और रॉयल ब्राइडल, सब उसमें लाइव भी दिखा रहे थे ना, लाइव भी लाइव दिखाया एक ब्राइडल उन्होंने, रेडी हुई। एक क्या नाम था उनका, सना अंसारी, सना अंसारी करके थे, उन्होंने पूरा लाइव मेकअप किया वहाँ पे एक को, कि सब ने लाइव देखा, और सब बाद में, और जो रेडी हुए थे उनका रैम वॉक वर्क हुआ हुआ। वहाँ पे। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी, आप देख भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं थी, कचपच की कुछ देखने का हिसाब ना हो। डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ का। ये एक फर्स्ट टाइम भिवंडी में हुआ था, बट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था। हमेशा यहाँ पे मीना बाज़ार लगता है भिवंडी का, उसमें हम लोग कभी जाते नहीं जाते, ऐसा हिसाब है, हमेशा नहीं जाते, लेकिन ये जो फूड फेस्टिवल, ये पहली बार था, तो हम लोग देखने के लिए गए थे कि कैसा, यानी क्या है ये, तो हम लोग को मालूम पड़ा यहाँ पे बिजनेस का भी था और फूड फेस्टिवल भी था। यहाँ से बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि जो लोग जो नहीं कर पाते उनके लिए भी यहाँ पे ये बहुत यहाँ पे कुछ लाइव था। मेकअप भी चल रहा था ना इतनी टाइम जब अपन हाँ, गए थे, ये लाइव मेकअप भी चल रहा है यहाँ पे, उन वो जो सना अंसारी थे वो लाइव मेकअप ये कर रहे फर्स्ट थे। ब्राइडल थी जो लाइव मेकअप कर रही थी, बाकी सब रेडी होके आए थे। रेडी होके आए थे, खाली रहे वो, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे, सबका मेकअप बहुत अच्छा था, हेयर स्टाइल वगैरह भी बहुत अच्छी थी उसमें। और टोटल सारी भिवंडी की थी। फिर हम बाहर निकल के आ गए जहाँ पे फूड का था, हम लोग ने भी थोड़ा सा वहाँ पे खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया और मोमोज़ खाए। मोमोज़ भी बहुत मज़े के थे, चिकन के भी थे और स्टीम वाले थे, फ्राई भी थे, सभी थे वहाँ पे। खाने का हम लोग ने नहीं लिए वीडियो, हम लोग को मतलब यहाँ वहाँ पे का, ब्राइडल का रैम वर्क हाँ, हो फिर रहा से है। हम वहीं पे आ गए। यहाँ पे ब्राइडल आप देख सकते हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, और उनका हेयर स्टाइल वगैरह भी बहुत अच्छा था, और सब हमारे मुस्लिम ही जितने आर्टिस्ट थे ना, टोटल ज़्यादातर मुस्लिम टोटल थे, मुस्लिम थे, सब मुस्लिम ही आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने अपनी अपनी एक एक मॉडल को मॉडल को तैयार, तैयार किए थे। अभी इनका रैम वर्क हो रहा है।
सभी का हमने नहीं बनाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सिर्फ हमने दो मॉडल का लिए थे ना, दो मॉडल का जब रैम वर्क हुआ था वो हमने दो का ही लिए, सबका नहीं लिए थे। फिर उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है वहाँ पे और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी बनती। हम लोगों ने थोड़ा सा सोचे कि अपने चैनल पे ये डालेंगे तो फर्स्ट फेस्टिवल का हमारे भिवंडी में जो पहली बार हुआ है ना सबको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत चीज़ों का यानी फ़ायदा भी हुआ है, बहुत सी चीज़ों की मालूमात भी हुई है, बिज़नेस के बारे में भी बहुत सी चीज़ों की मालूमात हुई और बहुत से लोगों को प्राइज़ भी हर किसी को मिला यहाँ पे। ऐसा जो पार्टिसिपेंट थे उन सबको ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट सेकेंड आए सिर्फ उनको दिया गया हो, जो पार्टिसिपेट थे उनको भी प्राइज़ मिला यहाँ पे। अच्छा ही नहीं, बच्चियाँ जो अलग अलग उसमें की थी जो अपने स्कूल में, या कुछ लड़कियाँ बच्चियाँ ऐसी होती ना जो एक लड़की आई थी यहाँ पे जिनका हिडन टैलेंट रहता किसी को मालूम नहीं रहता, वो यहाँ पे हमने उसका वीडियो नहीं बनाया था, उसका यहाँ पे भी बाद में दिखाए थे, सेकंड में पढ़ती थी, उसको भी प्राइज़ मिला था। बहुत ही अच्छे से सबको उन लोग ने वो किए। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये गन शूटिंग का है, ये भी स्टॉल लगा हुआ था, बहुत से लोगों ने इन्जॉय किया यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं कभी कभी मौका मिलता है लोगों को एंजॉय करने का। याद श्रीवास्तव का है, इधर भी था, सबका एक हर चीज़ थी, हर एक चीज़ थी यहाँ पे ना, यानी कॉस्मेटिक का सामान का हिसाब भी था। ये भी वंडी का लाबरी सा कैफे लाबरी है, ये उधर का स्टॉल है, इधर का है। हम लोगों ने यहाँ से क्या पिज़्ज़ा और बर्गर खाए थे ना लाबरीजा से, लाबरीजा वाले जो मेन है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बुरखे का भी स्टॉल लगा हुआ था, यानी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे, ऑफ़र भी था यहाँ पे और ड्रेस वगैरह का भी था अच्छे, इसमें ड्रेस वगैरह भी थे और लखनवी अफोर्डेबल प्राइस में, हाँ लखनवी कपड़े भी थे और कश्मीरी कराची वर्क के भी ड्रेस वगैरह थे यहाँ पे। लाबरीजा ये एकदम फेमस है ना भिवंडी के हमारे कैफे, और इन्होंने कंट्रीब्यूट मेन किए इस फंक्शन में। ये देखिए आप, यहाँ पे बुरखे का स्टॉल लगा हुआ है, नकाब है ये पे, अच्छे नहीं कम रेट वाले भी हैं और महंगे भी हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, अच्छे थे। और ये शॉप हम लोग को बहुत अच्छी लगी थी, ये शॉप में ना सब चीज़ एक से बढ़कर एक थी, मतलब गिफ्टेड आइटम, हाँ गिफ्टेड आइटम थे, कांच के सारे थे लेकिन एक से बढ़कर एक थे, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे, एक से बढ़कर एक चीज़ थी इनके पास और अच्छी थी, यानी हम लोग ने पूछे नहीं थे रेट किसी का, लेकिन देखने में खूबसूरत लगा। अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो आप इनकी दुकान से ले सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये भाई की दुकान है ना बाबूचुनी में भी है, क्योंकि मैं उनको पहचानी देखी थी तो। और ये यहाँ पे अल करम भाई शवरमा वाले हैं, और यहाँ पे भी ये सब ज़्यादातर चिकन का ही स्टॉल था, रोल है, क्रिस्पी है, रॉयल दरबार का यहाँ पे एक स्टॉल था, अच्छा एंजॉय हो गया था। हम लोग पहले नई नई करते करते फिर चले गए, सोचे जाके देखते, फर्स्ट डे तो चला गया था, सेकंड डे गए थे। फर्स्ट डे जाते तो हमारा फ़ायदा होता, हम भी कुछ पार्टिसिपेट कर लेते, हम लोग को मालूम भी नहीं था। ये यहाँ पे किसका लगा हुआ है, ये फास्ट फूड और चाइनीज सेंटर, ये सब हाँ चाइनीज वाला पूरा सेंटर था यहाँ पे, चिकन लॉलीपॉप वगैरह थे, चाइनीज़ के जितने यानी फूड थे सब, नूडल्स वगैरह सभी था उसके उनके पास। लेडीज़ भी शॉप पे थी, जेंट्स भी थे, फैमिली के साथ वो लोग अपनी शॉप पे रहते हैं, स्टॉल पे रहते हैं, लेडीज़ भी रहती हैं और जेंट्स भी रहते हैं। ये पेस्ट्री और केक वाले स्टॉल है, मोस्टली सब लेडीज रहते हैं, हाँ लेडीज रहती है, कोई वो नहीं रहता है, तब अपनी घरेलू जो औरतें होती हैं ना वो अगर अपना बनाती हैं वो भी अपना स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे। ऐसा है फर्स्ट ऐसा फूड फेस्टिवल था जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हाँ। थे, जेंट्स लेडीज मीना बाजार वगैरह सब में गर्ल्स खाली लेडीज, यानी उसमें जेंट्स का अलाउ नहीं है। ये आइसक्रीम का काउंटर है, ये आइसक्रीम का काउंटर है, ये मोमोज का, मोमोज का है। शिमला ढाबा था हाँ, वो आइसक्रीम का जो था, हम लोगों ने उसका वीडियो लिए ही नहीं ना, लिए थे वीडियो नहीं, ये पूरा इनका नॉनवेज है ना, नॉनवेज का ही काउंटर था, फिश चिकन सब चीज़ थी इनके पास, पूरा नॉनवेज का था।
अच्छी डेकोरेशन भी अच्छी थी इनकी, यहाँ पे केक बेक करता यानी केक बेकरी यानी उसका सारा आइटम था इनके पास। अच्छा हम लोग ने इंजॉय किया, काफ़ी देर तक रुके थे वहाँ पे, और ज़्यादा नहीं रश नहीं था, ज़्यादा नहीं उसमें कैसा उलझन होती ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक हो, बहुत ज़्यादा वो, बहुत सुकून से और हर चीज़ बहुत आराम से देखे हम लोगों ने, और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। कुछ ज़्यादा रश होती ना पब्लिक में तो कैसा उलझन होती है कि जगह ही नहीं है, इधर से धक्के उधर से धक्के, तो ये सब यहाँ पे नहीं था, धक्के मुक्के वाला हिसाब ही नहीं था, सब अपने अपने बहुत आराम से आ रहे थे। ये कुकर टी था, हाँ ये स्टीम से चाय बनती है, और इनका इन्होंने अपनी शॉप वहाँ पे लगाया था भाईजान ढाबे के सामने, भाईजान ढाबे के उधर ही बाहर ही उनका कुकर टी। आप लोग अगर गए हों कभी तो देखे होंगे, अभी बहुत अभी जल्दी इनका शुरू हुआ था ना, ये मेहंदी आर्टिस्ट है, बहुत ही कम रेट में ना मेहंदी लगाते हैं, हम लोग पूछे थे 50 रुपए में एक साइड हाथ का लेते हैं, समझो अगर 100 रुपए में दोनों साइड लगाएंगे, वो भी अच्छी एकदम मस्त भरी हुई मेहंदी लगाती वो। ये बागे फिरदौस का है, मस्त थैंक यू पिज़्ज़ा कनक 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 स्नैक, ये मंडे की तरफ का है ना, और ये भी यहाँ पे आइसक्रीम कॉर्नर था, ठंडी में भी लोग आइसक्रीम खा रहे थे, खाने वाले खाते हैं। ये अरबियन शर्मा था, हाँ अरबियन शर्मा था, शर्मा की तो कई स्टॉल लगे हुए थे, बहुत सारे थे, और जो सबसे ज़्यादा वो मुमरा से आए थे ना उन लोग, हाँ। अपनी गाड़ी जो बीच में वहाँ खड़ी थी, कोयला नाम था, बहुत ही फेमस है उनका शर्मा भी, और भी चीज़ें थी वहाँ पे। ये हमारा अलमदीना उस उनका काउंटर था, ये चीज़ें थी आज कैटर्स अब भी अपने जो कैटरिंग करते हैं वो लोगों ने भी अपना स्टॉल यहाँ पे लगाए थे, उनका भी एक क्या होता है कि नाम हो जाता है ना, लोग जो थोड़ा कम जानते हैं और ज़्यादा जानने लगते हैं, ऐसा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक मोजिटो वगैरह था यहाँ पे, ड्रिंक का ये कौन एक ही था ना, ड्रिंक का तो एक ही था यहाँ, बाकी ज़्यादा मिल्कशेक वगैरह थे, ड्रिंक का एक ही था, ज़्यादातर सब चिकन पिज़्ज़ा बर्गर ये कैफे वाले ज़्यादा थे, सब वो चीज़ें ज़्यादा थी। मोजिटो का सिर्फ एक ही काउंटर बना था, और यहाँ पे ना फिर इधर लास्ट में ये इसका कार वगैरह सुजुकी कार वगैरह का भी लगा हुआ था, एडवर्टाइजिंग हो रही थी इसकी भी, यानी पूरा बहुत ही सोच समझ के लोगों ने ऐसा जो किए ना, फर्स्ट टाइम हुआ है ये यहाँ, जल्दी कभी ऐसा और कहीं भी जल्दी नहीं लाइफ में हुआ, और मेरे को लगता है जल्दी कहीं आसपास भी हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने सोच समझ के ये चीज़ किए थे कि इसमें बिजनेस वालों को भी फ़ायदा है और फूड वालों का भी फ़ायदा होता है। ये टर्किश आइसक्रीम वाले थे, ये देखिए आप देख सकते हैं ना कितना हैरान करते बच्चे लोग को, रो पड़ते बेचारे बच्चे भी। हर चीज़ थी यहाँ पे, तुर्किश डिश भी थी वहाँ पे ना, खाने हाँ। में भी तुर्किश डिश थी, इंडियन चाइनीज तुर्किश सभी था, सब और अरबी भी थी, ऐसा था सब कुछ था यहाँ पे, बता रही ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हर चीज़ यहाँ पे थी। ये इनका वीडियो हम लोग ने बनाए, बहुत सोचे देखते बच्चे लोग को, खुद हम लोग देख रहे थे, बेचारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। और ये यहाँ पे नॉनवेज ए उसका साउथ का था। और यहाँ पे ये सेलिब्रिटी आए थे, नहीं सेलिब्रिटी बोल सकते इनको और क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इन्होंने ओलंपिक में अपने गोल्ड मेडल लिए थे, अभी जल्दी ही हुआ ना 2023 में ही था वो भी आए थे। ये हमारा पूरा फूड फेस्टिवल, आपको फूड फेस्टिवल का पूरा एक राउंड दिखा रही हूँ वीडियो में, वो अंदर का है, वो आगे बिजनेस वाला अंदर है, ये पान थे इधर कलरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।